इनको मैं बताना चाहूंगा कि अजरू शरा जो शख्स बर वक्त गवाही नहीं देता वो मरदूद शहादत होता है। और ये बाब है बाबू शहादती अला जिना वर रुजू अनहा, जिना के बाब से उसने दलील पेश की है। अकल के अंधे को इतना पता नहीं चल रहा कि मैं जो दलील पेश कर रहा हूँ वो किस बाब से मैं पेश कर रहा हूँ। बकौल तुम्हारे वो मरदूद शहादा है। चलो अब तुम्हारे सामने तो इरफान शाह साहब की वो सारी खुराफात आ गई है। अकैद अल सुन्नत से बगावत करना, हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा को जिस गुस्ताखाना लबो लहजे और अंदाज में उन्होंने मुखातिब किया है, ये बात तो वो कैसे सिखाते, ये बात कैसे सिखाते? अब तवज्जो है आपको। मैं ये पूछता हूं कि भाई सहाबा किराम तो एक लाख है और उसे नहीं पूछते और खुद बताते फिर रहे हैं, पूछते नहीं लोग, खुद बता रहे हैं। कुल्ला हम कहते थे, हम ये तरतीब रखते थे। ओ भाई आपसे पूछा किसने? रब मुनाफिकों से नाराज नहीं, मुसलमानों से नाराज है। ओए तो मुनाफिक है, तुमने क्यों सुना? सुना तो फिर सोचने क्यों लगे? या अल्लाह अकल दी है, सोच लिया तो क्या गुनाह किया? और माया पागल हो गए, किस बात को सोचते हो? दिमाग किधर गया तुम्हारा? क्या इरफान शाह साहब का अंदाज ये अदब वाला अंदाज है? यहाँ तुम्हारी जुबान क्यों खामोश है? यहाँ तुम अपनी शरी जिम्मेदारी क्यों नहीं पूरी कर रहे? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिही व सहाबिही व आलि बैती अजमाईन। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नबियन व रसूला। अस्सलातु वस्सलामु अलैक या सय्यिदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व असहाबिक या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु की हम्द व सना हुज़ूर सरवरे कायनात अहमद मुज्तबा जनाब सय्यिदुना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौरबार में अदिये दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद मुआज़्ज़ज़ सामईन नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला सब को सलामत बकरामत रखे। नाज़रीन किराम, किसी शख्स ने अपने यहाँ एक गधा और एक कुत्ता पाल रखा था। कुत्ते का काम हिफाजत करना था और गधे का काम बोझ उठाना था। एक दिन रात को इत्तेफाक से उस शख्स के घर में चोर आ घुसे तो गधे ने कुत्ते से ये कहा कि भाई अपनी ड्यूटी पूरी करो, चोर चोरी कर रहे हैं और अपने मालिक को जगाओ ताकि वो अपना माल महफूज कर सकें। लेकिन कुत्ता टस से मस ना हुआ। बिल आखिर गधे की गैरत जागी और उसने हिनहिनाना शुरू कर दिया। आखिरकार मालिक उठा और आकर उसने पूछा कि अरे भाई तुम्हें क्या मसला है? उसने कहा कि चोर चोरी कर रहे हैं तो मैंने इस कुत्ते को बोला है कि अपनी ड्यूटी पूरी करो, लेकिन ये टस से मस नहीं हुआ तो मेरी गैरत ने ये गवारा नहीं किया कि मेरे मालिक की चोरी हो जाए और मैं खामोशी से देखता रहूं। लिहाजा मैं इस वजह से हिनहिना रहा था ताकि तुम बेदार हो जाओ, जाग जाओ और अपने माल की हिफाजत कर सको। मालिक ने डंडा उठाया और उसकी पिटाई शुरू कर दी और कहने लगा कि भाई तेरा काम ये नहीं है, ये काम तो इस कुत्ते का काम है। तुम्हारा काम था बोझ उठाना और मेरे माल की हिफाजत करना, यह इस कुत्ते की ड्यूटी थी। अगर वो आराम से सो रहा है तो इसका मतलब है चोर नहीं आए थे। जब वो वापस चला गया तो उस गधे ने उस कुत्ते से मुखातिब होकर के पूछा कि अरे भाई मेरे साथ ये क्या हुआ है? उसने कहा कि जब अपनी हद से आगे बढ़ेंगे तो ऐसा ही होगा। ऐसी एक शख्स जिसको हम मौलवी छुपन छुपान कहते हैं, जिसको पाकिस्तान में पीर इरफान शाह साहब ने अपना तर्जुमान, अपना चमचा मुकर्रर किया था। जब इरफान शाह साहब पाकिस्तान से बैर तशरीफ ले गए तो वो बेचारा पीछे से इरफान शाह साहब के दिफा में आए रोज क्लिप बना रहा था और उनकी बड़ी हिमायत कर रहा था। लेकिन जब इरफान शाह साहब यूके की सरजमी पर पहुंचे तो वहां के उलमाए हक्का ने इरफान शाह साहब को यह कहा कि तुम लोगों ने अहले सुन्नत व जमात के अकायद नजरियात से इनराफ किया है और बगावत की है, लिहाजा जो तुमने सहाबे किराम आलिम रिदवान हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा की माज़ल्ला तोहीन और गुस्ताखी की है, उससे भी तौबा करो, रजू करो। ये बात तो वो कैसे सिखाते, ये बात कैसे सिखाते? अब तवज्जो है आपको। मैं ये पूछता हूं कि भाई सहाबा किराम तो एक लाख है और उसे नहीं पूछते और खुद बताते फिर रहे हैं, पूछते नहीं लोग, खुद बता रहे हैं। कुल्ला हम कहते थे, हम ये तरतीब रखते थे। ओ भाई आपसे पूछा किसने? भाई साहब है।
इस्लाम तो एक लाख है और उसे नहीं पूछते और खुद बताते फिर रहे हैं, पूछते नहीं लोग। और इसी तरह दिगर सहाबे किराम आलिम रिदवान के लिहाज से जो माजल्ला तुमने पागलों का लफ्ज बोला है उससे भी तौबा और रजू करो। मुनाफिक ने कॉल किया, मुसलमानों ने भी सुन लिया। रब मुनाफिकों से नाराज नहीं, मुसलमानों से नाराज है। ओए तो मुनाफिक है, तुमने क्यों सुना? सुना तो फिर सोचने क्यों लगे? या अल्लाह, अकल दी है, सोच लिया तो क्या गुनाह किया? और माया पागल हो गए, किस बात को सोचते हो? दिमाग किधर गया तुम्हारा? और माया पागल हो गए, किस बात को सोचते हो? दिमाग किधर गया तुम्हारा? और माया पागल हो गए, किस बात को सोचते हो? दिमाग किधर गया तुम्हारा? और तुम्हें पता नहीं ये नबी की शान के लायक ना होती तो उसके अहले बैत में मैं दाखिल ही क्यों करता? तुमने सोच कैसे लिया? और दीगर जो तुम्हारे खुराफात हैं उससे भी तौबा और रजू करो। जिस पर इरफान शाह साहब नाला हुए और अपने उस मखसूस अंदाज और लबो लहजा में उलमाए हक्का के साथ उन्होंने अपना रवैया इख्तियार किया, जिस पर उलमाए हक्का अल सुन्नत व जमात उलमाए बरतानिया ने उन्हें एक माह का वक्त दिया कि इसके अंदर तुम अपने इन अकैद नजरियात से तौबा करो वगरना हम उस पर शरी हुक्म लगाएंगे। तो वो शख्स की जिसको इरफान शाह साहब ने पाकिस्तान में अपना तर्जुमान और नुमाइंदा मुकर्रर किया था और अपना चमचा मुकर्रर किया था वो यहां बैठे इरफान शाह साहब का दिफा कर रहा था, लेकिन इरफान शाह साहब को उस पर एतमाद नहीं था। इरफान शाह साहब ने यूके में अपने दो और चमचे मुकर्रर कर दिए और वो बेचारा देखता का देखता ही रह गया कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं तो उनका दिफा कर रहा था, मैं तो उनको डिफेंड कर रहा था, उन्हें भी चाहिए था मुझ पर एतमाद करते, लेकिन उस बेचारे पर किसी ने भी एतमाद न किया और वो देखते का देखते ही रह गया। उलमाए हक्का अल सुन्नत व जमात उलमाए यूके और बरतानिया ने जो इरफान शाह साहब की गिरफ्त की, उस मौलवी छुपन छुपान ने इरफान शाह साहब के दिफा में उन उलमाए हक्का को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम्हारा ये इरफान शाह साहब से मुतालबा करना और उन्हें यह कहना कि अगर तुम इस पर तौबा रजू नहीं करोगे तो हम तुम पर फतवा लगाएंगे, तो लिहाजा तुम्हारी यह गवाही देना और तुम्हारा यह अलम हक बुलंद करना इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लिहाजा तुम सब लोग मर्दूद शहादा हो। इनको मैं बताना चाहूंगा कि अजरू शरा जो शख्स बर वक्त गवाही नहीं देता, अजरू शरा जो शख्स बर वक्त गवाही नहीं देता वो मर्दूद शहादत होता है। और जिस पर उसने हिदाया शरीफ से एक दलील पेश की, नाज़रीन किराम आप हैरान होंगे कि उसने हिदाया शरीफ से जो दलील पेश की है किताबुल हुदूद से, वो मैं आपके सामने रखने से कबल उस शख्स के लिहाज से यह कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो उस शख्स ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि इरफान शाह साहब का जुर्म जरूर है, तब ही उलमाए हक्का ने उसकी गिरफ्त की, तब ही उसने यह कहा कि जो तुम मर्दूद शादा हो। उसने इरफान शाह साहब के जुर्म को माना, एक्सेप्ट किया कि इरफान शाह साहब का जुर्म है। उसने हिदायत शरीफ की दूसरी जिल्द से हवाला पेश किया, तो मेरे पास जो हिदायत शरीफ है इसकी ये जिल्द नंबर 4 है और सफा नंबर 101 है और ये बाब है बाबू शहादती अला जिना व रुजू अनहा, जिना के बाब से उसने दलील पेश की है। अब इससे क्या पता चल रहा है कि माजल्ला इरफान शाह साहब का जुर्म यह वाला है और जिस पर उलमाए हक्का उलमाए बरतानिया खामोश रहे और अब बोले, तो जिस पर इसने कहा कि जी तुम मर्दूद शादा हो तब ही इसने इस बाबू जिना से यह दलील पेश की है। तो अब मैं इरफान शाह साहब से भी मुखातिब होकर यह कहना चाहूंगा कि पीर साहब जो आपने अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और आपके जो जुर्म साबित करने के वो दरपे हो चुका है आपके लिए वो काफी है। उस अकल के अंधे को इतना पता नहीं चल रहा कि मैं जो दलील पेश कर रहा हूं वो किस बाब से मैं पेश कर रहा हूं और फिर जिस का मैं डिफेंड कर रहा हूं कि माजल्ला क्या उसका यह जुर्म है कि जिस जुर्म के लिहाज से उलमाए हक्का पहले खामोश रहे और अब वो बोले हैं, तो लिहाजा अब उनका बोलना इसकी कोई वैल्यू नहीं है, अब वो मर्दूद शादा हो चुके हैं। तो ये है इन लोगों की एक इल्मी हैसियत और काबिलियत।
जरा ये देख लीजिए, ये आपके सामने हिदायत शरीफ की जिल्द नंबर 4 है और सफा नंबर 101 है। अब इसमें इसने जो इबारत पेश की है वो आपको स्क्रीन पे नजर आएगी, मैं वो इबारत नहीं पढ़ रहा, आपके सामने इस चीज को रखना मेरा मकसूद था कि इस शख्स ने बाबू शहादती आला जिना व रुजूई अनहा से इसने दलील पेश की है और इरफान शाह साहब का दिफा किया है, लिहाजा इसने इरफान शाह साहब के लिए जुर्म साबित किया, बल्कि उसको एक्सेप्ट भी किया और फिर जुर्म भी वो साबित किया है जिस पर इसने जो दलील पेश की है। ये हिदायत शरीफ मेरे सामने है, इसकी दूसरी जिल्द सफा नंबर 511 किताबुल हुदूद के अंदर इमाम कुदूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौल साहिब हिदायत रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल फरमाते हैं, वइदा शहिद अश्शुहूद बिहद मुतकादिमिन लम यमनाहुम अन इकामतिही बौदुहुम अन इमाम लम तुक्बल शहादतुहुम लम तुक्बल शहादतुहुम लम तुक्बल शहादतुहुम। इमाम से दूर थे, उस दूरी की वजह से इमाम तक काजी तक पहुंचते हुए उन्हें 2 दिन लग गए, 15 दिन लग गए, महीना लग गया, ये एक अलग मसला है, इस वजह से वो मरदूद शहादत नहीं होते। लेकिन अगर इस किस्म के उजर को छोड़कर उन्होंने गवाही को लेट किया, गवाही में ताखीर की, लम तुक्बल शहादत हूं, वो मरदूद शहादत हो जाते हैं। हजरत उलमा, लम तुक्बल शहादत हूं, वो मरदूद शहादत हो जाते हैं। इस मसला में उनकी गवाही मोतबर नहीं होती और साहिब हिदायत रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मौकिफ पर अहनाफ के नजरिया पर दलील पेश करते हुए कहते हैं, वलना अन शाहिदा मुखय्यरुन बैनल हिस्बतैन मिन अदाए शहादा व सत्र फत्ताखीर इन काना लिख्तियार सत्र फल इकदाम अलल अदाए बादा दालिका लिदगीनतिन हैजजत हो वलि अदावतिन हर्रकत हो फयुत्ताहामु फीहा व इन कानत ताखीरो ला लिस्सत्र यसीरो फासिकन आथिमन फतयक्कन ना बिल मारे। और फिर इसने इस अपने बयान में यह भी कहा कि जी इरफान शाह साहब के ये बयान पुराने थे और अब उनको आपने निकाल कर उस पर यह सारी गिरफ्त की है, लिहाजा अब तुम्हारा यह गिरफ्त करना इसकी कोई हैसियत नहीं है, लिहाजा तुम सब माज़ल्ला मर्दूद शहादा हो। बर वक्त कहां थे जब ये मामला हुआ, तो उस वक्त आप बेहोश क्यों थे, उस वक्त आप मदहोश क्यों थे, उस वक्त आप खामोश क्यों थे? उस वक्त अगर गवाह खामोश रहता है तो वो मर्दूद शहादत बन जाता है। और अब मैं इस शख्स को यह कहना चाहूंगा, चलो एक लम्हे के लिए तुम्हारी इस बात को मान लेते हैं कि जो तुम कह रहे हो कि वो उलमा के जो अब इरफान शाह साहब की गिरफ्त कर रहे हैं, बकौल तुम्हारे वो मर्दूद शहादा हैं। चलो अब तुम्हारे सामने तो इरफान शाह साहब की वो सारी खुराफात आ गई हैं, अकायदे अहले सुन्नत से बगावत करना, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा को जिस गुस्ताखाना लबो लहजे और अंदाज में उन्होंने मुखातिब किया है, ये बात तो वो कैसे सिखाते, ये बात कैसे सिखाते, अब तवज्जो है आपको, मैं ये पूछता हूं कि भाई सहाबा किराम तो 1 लाख है और उसको नहीं पूछते और खुद बताते फिर रहे हैं, पूछते नहीं लोग, खुद बता रहे हैं, कुल्ला हम कहते थे, हम ये तरतीब रखते थे, ओ भाई आपसे पूछा किसने? भाई सहाबा किराम तो 1 लाख है और उसको नहीं पूछते और खुद बताते फिर रहे हैं, पूछते नहीं लोग। क्या अब भी उन पर तौबा रुजू नहीं बनता? चलो वो माज़ल्ला बकौल तुम्हारे मर्दूद शहादा हो चुके हैं, तुम ही अपनी शहादत पेश कर दो, तुम ही अपनी शरी जिम्मेदारी पूरी कर दो और उन पर शरी हुक्म लगाओ, क्या लगता है? हजरत क़िबला इमाम जलाली ज़िद शर्फ हु के लिहाज से तो तुम इतनी लंबी जुबान निकाल कर ये कह रहे थे हजरत सैयदना अबू जुहैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिहाज से, जबकि वो वजाहत भी पेश कर चुके हैं कि जी उन्होंने वाहिद किसी के साथ मुखातिब किया और उनका अंदाज ऐसा था, अंदाज वैसा था, तो क्या इरफान शाह साहब का अंदाज ये अदब वाला अंदाज है? यहां तुम्हारी जुबान क्यों खामोश है? यहां तुम अपनी शरी जिम्मेदारी क्यों नहीं पूरी कर रहे? और फिर कि जी जो इरफान शाह साहब की उन उलमा ने तकारीरें और क्लिप पेश कर और उन पर जो हुक्म लगाया है वो तो पुराने थे, तो मैं जनाब मौलवी छुपन छुपान आपसे पूछना चाहूंगा
कि जो हजरत किबला इमाम जलाली जीद शर्फ हु के उस बयान से 27 सेकंड का क्लिप वायरल किया गया, क्या वो नया था या पुराना? बकौल तुम्हारे अगर वो उलमा उन क्लिप्स पे जो शरी हुक्म लगा रहे हैं वो नहीं लग सकता चूंकि वो पुराने क्लिप हैं, तो इमाम जलाली जीद शर्फ हु का क्लिप भी पुराना था। फिर उस पर जो तुमने जाति इनाद और बुग्ध और हसद में मुबतला होकर जो कुछ कहा है, लिहाजा तुम अपने कौल की रोशनी में मरदूद शादा हो चुके हो, और फिर मियां की जूती मियां का सर, तुम इस ज़र्बुल मिसल के मिसदाक हो। इसलिए मौजूदा सामीन नाजरीन, एक तरफ हजरत किबला इमाम जलाली जीद शर्फ के लिहाज से इस तरह की ये रफ लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो आले सुन्नत व जमात के अकायद नजरियात से बगावत कर चुके हैं उनका ये दिफा भी करते हैं। तो इनके पेश नजर न शरीयत है, न दीन है, और न ही अकायद आले सुन्नत है, सिर्फ और सिर्फ इनके सामने जातियात है, और जिनसे इनको कुछ दुनियावी लालच है उनका ये दिफा करते हैं। अल्लाह ताला हमें इन लोगों के शर से महफूज व मामून फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।